आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों लिए भी है। गिर गया? पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आया। संसद में सदन की कार्यवाही चल रही थी, इसी बीच दर्शक दीर्घा से 2 युवक सांसदों के बीच में कूद गए। संसद के बेंच पर खड़े होकर उन्होंने गैस छोड़ी, जिससे भवन के अंदर धुआं धुआं हो गया। इसके बाद कुछ सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ ली और उनकी जमकर पिटाई की और सुरक्षा बलों को सौंप दिया। कूदने वाले एक शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है। एक युवक बेंच पर खड़ा होकर नारेबाजी और हंगामा करने लगा। इस घटना से भवन संसद के अंदर हड़कंप मच गया और सांसद बाहर निकलने लगे। संसद की कार्यवाही इस घटना को देखते हुए तुरंत स्थगित कर दी गई। 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी और इसी दिन इस तरह की सुरक्षा चूक हैरान करने वाली है। संसद भवन के अंदर गैस छोड़ने वाले कलर स्मोक आखिर अंदर कैसे चले गए? सुरक्षा कर्मियों की इतनी बड़ी लापरवाही बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। इस तरह से किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है और संसद के अंदर बैठे सांसदों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनकी जांच करके पता लगाया जा रहा है कि इस हंगामे की साजिश के पीछे क्या वजह थी। वहीं संसद भवन के बाहर एक युवक और एक महिला ने जमकर हंगामा काटा। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने ना। यहाँ भी कलर स्मोक गैस छोड़ी गई, जिससे धुआं धुआं हो गया। यहाँ महिला जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, उसने कहा तानाशाही नहीं चलेगी। हंगामा कर रही महिला और युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सुरक्षित समझे जाने वाले संसद भवन के अंदर हंगामा करने वाले कैसे पहुंच गए? देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज। चुरक के आपको A1 नमस्कार।